नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। मैं इस वक्त समस्तीपुर के सदर अस्पताल में हूं और यहां पे पूरी सदर अस्पताल की टीम मुस्तैद है, अलर्ट है। अभी जो महामारी कोरोना का है पूरे विश्व में और उसका असर हमारे बिहार में भी देखने को मिला है, और अभी अभी एक कोरोना का संदिग्ध मरीज यहाँ पर आया है। आइए मैं कुछ बात करने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? गंगा प्रसाद। आप कहाँ से आए? केलुआ घाट से। आप कोरोना का संदिग्ध मरीज हैं। आप जब केलुआ घाट आपका घर हुआ, आप आए कहाँ से? बिहार के बाहर से कहीं रहते थे क्या? नेपाल में रहते थे। और नेपाल में जब आप नेपाल से घर आए हैं, उसके बाद किसको जानकारी मिला कि आप नेपाल से आए हैं? नेपाल से आप बहुत दिन पहले आए। और तो जानकारी हुआ आपके बारे में? दो चार दिन से जो है ना सर दर्द हो रहा है और गला में खांसी हो रहा है। आपको सर दर्द हो रहा है, गला में खांसी हो रहा है, बुखार भी लग रहा है? हाँ, बुखार भी। ये गंगा प्रसाद जी हैं, केलुआ घाट से आए हैं चलकर, जो कोरोना के संदिग्ध मरीज है। संदिग्ध के आधार पर इनको लाया गया है ये सदर अस्पताल समस्तीपुर में जांच के लिए। तो एक नया मामला अभी अभी आया है, केलुआ घाट से आए हैं। ये कोरोना का पेशेंट है, कोरोना का मरीज है इनके साथ में, और ये एम्बुलेंस EMT हैं। क्या नाम हुआ आपका? राजीव कुमार। तो आपको इनके बारे में कैसे पता चला जो आप गए थे जाँच को लाने? डॉक्टर साहब वहाँ से फोन आया गाँव से जी, लाने के गए घर। उसके बाद डॉक्टर साहब जांच पड़ताल किए, इसका लक्षण बहुत पकड़ा है। और तो इसमें मतलब लक्षण पकड़ाया है, पॉजिटिव है? नहीं, पॉजिटिव में लक्षण से आया है। लक्षण से आया है, सस्पेक्टेड कोरोना है वो। सस्पेक्टेड कोरोना है, ठीक है। तो अभी जांच होगा, जांच के बाद तब पता चलेगा पॉजिटिव है। तो ये राजीव कुमार जी थे, ये गए थे ये मरीज के घर पर, वो लाए हैं यहाँ पे, और इनका जो है जाँच होगा। तो हाँ, पूरी तरह से डॉक्टर की टीम अलर्ट है, प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है यहाँ पे। कोरोना से बचने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है, और ये सदर अस्पताल है। सदर अस्पताल का इलाका आप देख सकते हैं, एम्बुलेंस भी लगा हुआ है, जब भी ज़रूरत पड़ेगा एम्बुलेंस तैयार रहता है हमेशा। कोरोना के जैसे ही संदिग्ध की पता चलती है वो यहाँ पर पहुँचने का प्रयास करते हैं। जमा आगरा के खिलाफ एक बार कर दिखाएँ, आप देख सकते हैं पूरी अस्पताल के कर्मचारी पूरी तरह से अलर्ट है, ठीक है। हमारे आप देख रहे हैं, जब से हमारे सरकार ने घोषणा किया है लॉकडाउन का दूसरा दिन है, और आप देख सकते हैं लॉकडाउन का असर जैसे समस्तीपुर में किस तरीके से है। मैं समस्तीपुर के सबसे व्यस्त जगह ये कोलम्बड़ है, और ये जगह आपको समस्तीपुर और दरभंगा मुख्य मार्ग है। आप देख सकते हैं कुछ आदमी का आना जाना यहाँ से लगा हुआ है, प्रशासन भी है। उसके बाद आप इस साइड में अगर जाए तो समस्तीपुर और पटना का मुख्य मार्ग है। तो ये काफ़ी बेस्ट जगह है, कोलम्बड़ चौराहा है, और कुछ लोग आ भी गए हैं, जा भी रहे हैं, और ये लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं कि नहीं। ऐसा की घोषणा हुआ था कि लॉकडाउन का मतलब कि अपने घर में रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है। कोरोना एक बहुत ही बड़ा महामारी है, पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में ये कोरोना वायरस एक महामारी का रूप ले लिया है। सरकार बचने के लिए हमेशा प्रयासरत है, और लोगों से अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रहें और सेफ रहें। और कोरोना वायरस जब आप अपने घरों में रहेंगे तभी आप सेफ हैं, आप घूमेंगे नहीं, आप देख रहे हैं। और केवल मेडिकल है, मेडिकल स्टोर यहाँ पर खुला हुआ है, उसके बाद जो भी दुकानें हैं सभी बंद हैं। मेडिकल जो स्टोर हैं वो केवल खुला हुआ है यहाँ पे। प्रशासन भी यहाँ पे पूरी तरह से मुस्तैद है, आने जाने वाले लोगों से पूछते हैं, और ख़ासकर घर से नहीं निकलना है, इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा सभी लोगों को। 21 दिन का जो लॉकडाउन का यहाँ पे, मैं तो जो ज़रूरत की जो व्यक्ति है वही अभी घूम रहे हैं। प्रशासन है, मैं प्रशासन से भी कुछ जानने का प्रयास करूँगा सर जी। और जिस तरीके से लॉकडाउन का सरकार ने घोषणा किया, आज दूसरा दिन है लॉकडाउन का, आज आपको दिन रात आप इस प्रशासन का ड्यूटी आप निभा रहे हैं। मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा अपने चैनल की ओर से भी, आप दिन रात आप लगे हुए हैं लॉकडाउन में। तो आप सुबह से क्या कहेंगे, सुबह से जो लोगों का आना जाना कम है या पहले जैसे? बहुत कम है, बहुत ही कम है, पूरा हम लोग चौकस हैं, और पब्लिक को सतर्क कर रहे हैं, भाई आप लोग मास्क लगाइए, इमरजेंसी हो तभी जाइए, निकलिए और घर से जी। हाँ, ऐसे नहीं।
तो जो लॉकडाउन है लॉकडाउन का पालन जनता कर रहे हैं? जी बिल्कुल 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 कर रहे हैं। तो सवेर से सन्नाटा है, पूरा सन्नाटा है, पूरा सन्नाटा है। आवश्यक गाड़ी चल रही है जो सरकार अलाउ किया है, खाद्य सामग्री वाला गाड़ी चल रही है। जी जी, तो आप ये देख रहे हैं पेट्रोलियम है, आप अपने घर परिवार को छोड़ करके आप ड्यूटी में लगे हुए हैं, तो निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं परिवार का भी चिंता होगा। तो आप परिवार से बात किए हैं? आप यहाँ ड्यूटी पे हैं, कहाँ आपका मूल निवासी कहाँ, कहाँ घर हुआ आपका? समस्तीपुर के। और समस्तीपुर के, तो आपसे आपके परिवार से तो बातचीत होता रहता होगा, दिन रात आप ड्यूटी कर रहे हैं? तो देख रहे हैं प्रशासन पूरी तरह से सजग है, प्रशासन अलर्ट है पूरी तरह से, जनता से अपील कर रहे हैं, आने जाने वालों पे ध्यान रख रहे हैं, कोरोना वायरस जो महामारी है सफल है बहुत। हाँ, रियर तो प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। और ये गोलंबर चौराहा है, पटना समस्तीपुर मुख मार्ग, पटना दरभंगा मुख मार्ग, बगल में स्टेडियम है और ये स्टेडियम चौराहा है, स्टेडियम मार्केट है, पूरी तरह से बंद है, केवल दवा का यहाँ पे दुकान खुली हुई है, आप देख सकते हैं। क्या दुकान है? नहीं, और हाँ सभी दुकानें बंद है, कुछ और यहाँ पे प्रशासन के लोग हैं, मैं उनसे भी बातें करना चाहूँगा। पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है, आप देख सकते हैं, जहाँ पे हमेशा हज़ार दो हज़ार लोगों की यहाँ पे आना जाना लगा हुआ रहता था, वो पूरी तरह से यहाँ पे रास्ता सन्नाटा पसरा हुआ है। और जो है और पुलिस पदाधिकारी उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। सब पालन कर रहे हैं, सब पालन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं उसके लिए हम लोग हैं, उसको घर भेज देते हैं। अच्छा अच्छा, जो मतलब पालन नहीं कर उसको आप वापस घर भेज रहे हैं? हाँ, उसकी गाड़ी जब्त कर रहे हैं, फिर थाना ले जा रहे हैं, फिर वहाँ छोड़ रहे हैं, उसको समझा रहे हैं। अच्छा, उसको समझा रहे हैं मास्क लगवा करके हम लोग उसको वापस उसको निर्देश दे रहे हैं, लॉकडाउन समझा रहे हैं क्या है जी, क्या लॉकडाउन जी, अभी कोरोना जो चल रहा है इसके लिए आप घर में रह सकती हैं तभी सुरक्षित रहेंगे। अच्छा, सब सुरक्षित है, घर में रहना है तभी सुरक्षित रहना है, ये आप कहते हैं लोग? हाँ, क्योंकि ये संक्रमण एक दूसरे से फैलता है, अगर घर में सब रहे तो सुरक्षित रहेगा। जी जी जी, तो आपका घर कहाँ हुआ? मधेपुरा जिला। आप मधेपुरा जिला से और समस्तीपुर में ड्यूटी कर रहे हैं, आपको परिवार का भी तो चिंता होगा? हाँ है, लेकिन वो भी सुरक्षित है, बात होती है रोज फोन पे। अच्छा, घर पे भी आप सभी लोगों को कहते हैं कि घर में रहना है? सबको एहतियात किया जाता है, सब रहते हैं। अच्छा अच्छा, सब रहते हैं। चलिए, ये प्रशासन है पूरी तरह से अलर्ट है, सजग है, आप रोड सुनसान है, वीरान है रोड, और पूरी तरह से रोड पे सन्नाटा पसरा हुआ है। कुछ लोग और हैं, मैं उनसे भी बातचीत करना चाहूँगा। कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ घर हुआ आपका? धर्मपुर घर हुआ। कहाँ से जा रहे हैं? पोस्ट ऑफिस से जा रहे थे। क्या काम था वहाँ? आपको अभी कौन सी माहौल है, सरकार का क्या घोषणा कुछ पता है? काम के लिए क्या आप मतलब सरकार ने क्या घोषणा किया है अभी अभी देश में, क्या स्थिति है पता है आपको? कोरोना के बारे में जानते हैं क्या है? कोरोना बहुत खतरनाक चीज़ है, कोरोना बहुत खतरनाक चीज़ है, जानते हैं, फिर भी घर से निकल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम पोस्ट ऑफिस से जा रहे हैं। पोस्ट ऑफिस का कुछ है क्या, क्या पोस्ट ऑफिस में करेंगे? ओह, ये मेरा स्टाफ है, कहते हैं कि लिट्टी चोखा, आप सोच सकते हैं पोस्ट ऑफिस में लिट्टी चोखा नहीं बनता है, वहाँ चिट्ठी का काम होता है, लेकिन ये कह रहे हैं, ये बहाना लगता है बना रहे हैं। आप लिट्टी चोखा कहाँ है? पोस्ट ऑफिस में वहीं पर रहते हैं, लिट्टी चोखा बनाने का काम करते हैं और खिलाते हैं। चलिए, लिट्टी चोखा आप बनाइए, खिलाइए। दुकान बंद है अभी? दुकान बंद है फिर भी आप अभी कहाँ गए थे? वहीं पर बैठते हैं। चलिए, चाहे सच्चाई हो या लोग का बहाना हो, लेकिन सच्चाई जो हो वो होनी चाहिए, कोई बहाना नहीं होनी चाहिए। और आप प्रयास कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए कि घर में रहें, और ये बीमारी महामारी का रूप है। हम आपसे बात कर रहे हैं, मैं भी काफ़ी गलती किया हूँ कि मैं आपके करीब हूँ, आप जब भी प्रयास कीजिए, जब भी आप प्रयास कीजिए तो एक मीटर की दूरी पर रहे और इस तरह से बहाना नहीं, घर में रहिए, जितना आप घर में रहिएगा तुमको नहीं आना चाहिए। प्रशासन देखिए, समझाने का प्रयास प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, प्रशासन भी समझा रहा है, सजग है, पूरा होनी चाहिए। और यहाँ पे और देख सकते हैं, ज़रूरत का ही गाड़ी केवल चल रहा है और प्रयास भी करते हैं, और कुछ लोग से बात हम करने का प्रयास करते हैं। जनता अगर सुरक्षित है तो हमारा देश सुरक्षित है।
चलिए तो बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग का आना जाना लगा हुआ है, अगर मैं पूछना चाहूँगा तो ये बहाना बना के निकल जाते हैं आपसे। कुछ देर पहले भी आपसे चर्चा किया था, सर जी किस तरीके से ड्यूटी आप कर रहे हैं, सुबह से ड्यूटी कर रहे हैं? सुबह 9 बजे से 9 बजे रात तक, सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक 12 घंटा आप ड्यूटी यहाँ पे करते हैं। तो सवेर से आपने देखा है जनता लॉकडाउन का पालन कर रही है कि नहीं? हाँ, कर रहे हैं। जरा मना दवा भी लेने के लिए आता है तो उसको दवा लेके तुरंत उसको रिटर्न कर देते हैं। तो जो दवा लेने के लिए आते हैं उनको आप छोड़ते हैं, दवा लेने देते हैं? और जो आम जो अन्य लोग जो आते हैं जो ऐसे घूम रहे हैं, नहीं, वो सबको तो तुरंत खदेड़ के हम लोग अंदर करवाते हैं, उसको अंदर करा देते हैं। चलिए आप प्रशासन और मुस्तैद सर जी, आप क्या कहना चाहेंगे लॉकडाउन के बारे में, किस तरीके से सवेर से जो आप यहाँ हैं लोग आ जा रहे हैं या लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं? नहीं, जो दवा लेने के लिए लोग आ रहे हैं तो दवा लेके चल जा रहे हैं, और लोग जो है ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ आपका घर, कहाँ आपका घर, कहाँ? अरे हम लोग पुलिस लाइन में रहते हैं। हाँ, पुलिस लाइन में है, लेकिन आप मूल रूप से टाउन थाना से ही आते हैं? आप टाउन थाना से आते हैं, तो परिवार का भी तो आपको चिंता होगा ये महामारी में? नहीं नहीं, परिवार तो सब लोग घर पर रहता है। परिवार सब घर पे रहता है, तो सुबह से लोग आपको आना जाना जो है कम है पहले की अपेक्षा? हाँ, बहुत कम है। तो ये प्रशासन है पूरी तरह से मुस्तैद है, अपने ड्यूटी को निभा रहे हैं। अगर प्रशासन ड्यूटी निभा रहे हैं तो केवल आपके लिए, आपकी सुरक्षा के लिए ये ड्यूटी निभा रहे हैं, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए नहीं है। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप भी घर में रहें, लॉकडाउन का पालन करें। जो सरकार ने 21 दिन कहा है लॉकडाउन का पालन के लिए, सरकार अपने लिए नहीं कह रहा है, वो आपके सेफ्टी के लिए कह रहा है। प्रशासन आपके साथ है हमेशा, आप जहाँ भी परेशान हो तो भी आपके साथ 24 घंटा आपके सेवा में प्रशासन लगा हुआ है। तो आपका भी दायित्व बनता है, जो सरकार का आदेश हुआ है घर में रहिए, आप पूरे परिवार के साथ सेफ रहिए, साथ ही समाज को सेफ रखिए, और जब समाज सेफ रहेगा तो पूरा देश सेफ रहेगा। लॉकडाउन का पालन कीजिए। तो कैमरामैन प्रकाश के साथ मैं मुकेश कुमार, HBN न्यूज़ समस्तीपुर।